देखिए आज इस बात को लेकर एटीएस ने आप सबके सामने खुलासा किया है, तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसलिए मुस्तैद हैं क्योंकि आदरणीय योगी जी लगातार इस विषय पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन में भी रखा और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ये जोड़कर चल रहे थे कि नहीं साहब ये तो हमारा वोट बैंक है, कहां आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यही चीजें जो हो रही थी इसकी चूंकि आदत पड़ी हुई थी इन्हीं लोगों की सरकारों में कि जबरन किसी को या पैसा देकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, कोई गरीब है तो उसको पैसा देकर कराना, या कोई अगर महिला है उसको ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराना, नहीं करने पर जबरन कराना, ये सारी चीजें थी ना। तो इसलिए कानून लाए हम, क्योंकि हम तो पहले से ही तैयार थे इस बात को लेकर, क्योंकि ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी और कई ऐसे मामले आप लोगों के सामने पहले भी आए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहां पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। यहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। यहां पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे, इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको हाथ हमने बांध नहीं रखे हैं, उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, वो प्रदेश के हित में, देश के हित में उनको काम करने की पूरी छूट है। और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा जो लोग देश में इस तरह का काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी बिहाइंड द बार करेंगे, उन्हें भी जेल में डालने का काम करेंगे जिन्होंने इनको फंडिंग की है, जो लोग के इशारे पर ये काम कर रहे हैं हम उनके भी नाम सामने लाएंगे, क्योंकि ये बात आज से नहीं है, ये पिछली सरकारों का कृत्य है और पिछली सरकारों से ये आदि है। इसलिए देश की सुरक्षा और देश के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो, इसलिए हमने कानून भी बनाया है और आगे कार्रवाई करनी होगी, उसी कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।